नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी लॉन्ग हॉल ट्रेन चलाने के लिए संयुक्त प्रक्रिया। मुख्य परिचालन प्रबंधक मुंबई कार्यालय के पत्र संख्या नंबर 3483M लॉन्ग हॉल दिनांक 19/8/2013 के अनुसार। पहला, सामान्य। ए, सभी विभिन्न प्रकार के स्टॉक को मिलाकर खाली लोडेड लॉन्ग हॉल रैकों को चलाने के लिए दो अलग अलग रैकों को मिलाकर लॉन्ग हॉल चलाया जाएगा। बी, लॉन्ग हॉल ट्रेन में निम्नलिखित का मिलाप होगा। पहला, दो लोडेड रैक, दूसरा दो खाली रैक, या तीसरा एक लोडेड और एक खाली रैक। सी, लॉन्ग हॉल गाड़ियां इस नाम से चलेंगी जो गाड़ी संख्या के पहले लॉन्ग हॉल शब्द लगाया जाएगा। स्टेशन मास्टर पास वाले स्टेशन कंट्रोलर द्वारा इसका उल्लेख किया जाएगा। दूसरा, कैरेज एवं वैगन। ए, दो रैकों को मिलाकर लॉन्ग हॉल गाड़ी के लिए दो अलग अलग वैध बीपीसी को मिलाकर एक गाड़ी होगी। बी, इन गाड़ियों के सुरक्षित परिचालन के लिए C&W कर्मचारी अलग एयर प्रेशर कंटिन्यूटी प्रमाण पत्र जारी करेंगे और यह परीक्षण गाड़ी प्रस्थान के पूर्व किया जाएगा। सी, लॉन्ग हॉल गाड़ियों के लिए प्रस्थान के समय कम से कम 95% ब्रेक पावर और चलते समय 90% ब्रेक पावर होनी चाहिए। C&W कर्मचारी CBC की योग्य लॉकिंग जांच करेंगे। डी, गाड़ी प्रस्थान से पूर्व इंजन में कम से कम बीपी प्रेशर 5 kg/cm और ब्रेक यार्न में 4.7 kg/cm होना चाहिए। यदि लोको पिछले ब्रेक यार्न में 4.7 kg/cm प्रेशर बनाने में असमर्थ रहा तो पिछले ब्रेक यार्न में ई किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर प्रेशर आने पर लोड को चलाने की अनुमति दी जाएगी और उस समय गाड़ी की गति 45 km/h होगी जिसमें गाड़ी नियंत्रण में सुविधा हो। ए, यदि 8-पहिया ब्रेक यार्ड उपलब्ध हो तो खाली रैकों के बीच लगाया जाए, लेकिन यदि दोनों ब्रेक यार्ड 4-पहिया हो तो गाड़ी के अंत में जोड़े जाए। जी, पायथन के लोको पायलट एवं यार्ड के पास होज पाइप, नकल पिन, पाइप स्पैनर, हैमर, चीजल आदि उपकरण होने चाहिए। इनकी आपूर्ति सवारी तथा माल डिब्बा कर्मचारियों द्वारा की जाएगी। एच, लॉन्ग हॉल गाड़ियों में हॉट एक्सल, फ्लैट टायर आदि के कारण वैगन को अलग करना हो तो मंडल द्वारा सामान्य एवं सहायक नियमों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। तीसरा, लोको। ए, अगले लोको लीडिंग लोको का डायनामिक ब्रेकिंग RBDB कार्यरत होना चाहिए। बी, पिछला रैक खाली रैक होने पर WDG 3A, WAG 5, WAG 7 के सिंगल लोको और लोडेड रैक होने पर मल्टीपल यूनिट वाले WDG 3A, WAG 5 लोको दो रैकों के बीच लगाए जाएंगे। गाड़ी का संपूर्ण कर्मी दल वॉकी टॉकी के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में रहेगा। उपरोक्त लोकों के अतिरिक्त WTT के प्रावधान के अनुसार बैंकर लोको भी लगाना है। सी, ए तथा बी सेफ्टी कैटेगरी में चुने लोको पायलट सेक्शन में भली भांति परिचित और पर्याप्त चालक लॉन्ग हॉल गाड़ियों के लिए नामित किए जाएं।
ऐसे लोको पायलटों के नाम क्रू बुकिंग लंबी में प्रदर्शित किए जाएं। डी, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी फिर से चलाने के पूर्व लोको पायलट यह सुनिश्चित करे कि इंजन और ब्रेकयान में बीपी प्रेशर फिर से प्राप्त कर लिया है। पिछले ब्रेकयान का गार्ड आगे के लोको के लोको पायलट को यह जानकारी देगा। सेक्शन में गाड़ी दोबारा चलाने के लिए कम से कम 5 मिनट का रिलीज समय लोको पायलट द्वारा देना चाहिए। ई, आगे के लोकोमोटिव में कुल 5 CP 3L 2T ऑन स्थिति में होंगे और चार्ज करेंगे। लॉग हॉल रैक के बीच वाले लोको के एल एंड टी कॉक आइसोलेट रहेंगे ताकि उनके द्वारा बीपी प्रेशर चार्ज नहीं होगा। एफ, सतर्कता आदेश का पालन करते समय लोको पायलट गाड़ियों के ब्रेक का जहां तक संभव हो कम से कम प्रयोग करेंगे तथा यथोचित नाच कम करके या बढ़ाकर रियोस्टेटिक ब्रेकिंग द्वारा गाड़ियों के गति पर नियंत्रण करेंगे। रियोस्टेटिक ब्रेकिंग लगाते समय एवं उससे निकलते समय पहले दो नाचेस ग्रेजुअली 10 से 20 सेकंड में लें। जी, दो लोडेड या एक लोडेड और एक खाली रैक की गाड़ी को चालू करते समय बीच वाला लोको पायलट प्रथमतः दो नाच लेगा और इसकी सूचना वॉकी टॉकी द्वारा अगले लोको पायलट को देगा। इसके बाद प्रथम लोको पायलट नाच लेगा। एच, किसी भी कारण से लॉन्ग हॉल गाड़ी के लोको को बदली किया जाता है, ऐसे समय पूरे लोड के एयर ब्रेक मैन्युअली रिलीज किया जाए जिसमें ब्रेक बाइंडिंग टाली जाएगी। चौथा, संचार व्यवस्था। ए, लॉन्ग हॉल में कार्यरत सभी कर्मी दल गाड़ी चालू करने से पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि उनके वॉकी टॉकी सेट्स सही कार्यरत हैं एवं लॉन्ग हॉल गाड़ी में आगे से पीछे तक संचार स्मूथ हो रहा है। वे वॉकी टॉकी का प्रयोग सिग्नलों का आदान प्रदान करने के लिए कर सकते हैं क्योंकि लॉन्ग हॉल गाड़ियों की लंबाई अधिक होने के कारण गाड़ी की दृश्यता कम हो जाती है। बी, लॉन्ग हॉल गाड़ी आरंभिक स्टेशन से लोको पायलट एवं गार्ड द्वारा सिग्नलों का आदान प्रदान करना संभव ना हो तो वॉकी टॉकी का प्रयोग किया जा सकता है। सी, मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि 1.5 किलोमीटर तक कार्य करने वाले वॉकी टॉकी लॉन्ग हॉल गाड़ी पर कार्य करने वाले कर्मी दल को उपलब्ध कराएंगे। डी, गाड़ी चलते समय वॉकी टॉकी द्वारा संचार स्थापित नहीं होता है तो अगले स्टेशन पर गाड़ी रोककर उसे आगे चलने नहीं दिया जाएगा। ई, संचार के सभी साधन खराब होने पर अस्थायी एक हरी लाइन वर्किंग के दौरान लॉन्ग हॉल गाड़ी नहीं चलाई जाएगी। पांचवा, परिचालन यातायात। ए, लॉन्ग हॉल गाड़ी एक ही लाइन क्लियर पर चलाई जाएगी। टेल बोर्ड टेल लैब सबसे पिछले वाहन पर लगाया जाएगा। टेल बोर्ड टेल लैब बीच वाले ब्रेक यान पर नहीं लगाया जाएगा। बी, एयर प्रेशर प्रथम लोको द्वारा निर्माण किया जाएगा। बीच वाले या बैंकर लोको बीपी चार्ज नहीं करेगा। प्रथम लोको पायलट ही गाड़ी में ब्रेक लगाएगा। सी, बीच वाले या बैंकर लोको के लोको पायलट गाड़ी को प्रथम लोको के लोको पायलट से समन्वय रखते हुए उसकी आवश्यकता अनुसार लोड को ढकेलेंगे। डी, अंतिम ब्रेक यान का गार्ड लॉग हॉल का प्रभारी होगा तथापि बीच वाले ब्रेक यान में भी गार्ड को रखा जाएगा। ई, लॉन्ग हॉल गाड़ी का गार्ड गाड़ी की सेंटिंग के उपरांत गाड़ी स्टेबल किए जाने पर पिछले हिस्से को रोल डाउन कर होने से बचाने हेतु गाड़ी की सुरक्षा हेड ब्रेक लगाकर सुनिश्चित करेगा।
एफ गाड़ी का गार्ड वॉकी टॉकी पर लोको पायलट के साथ गति प्रतिबंध पार करने की सूचना और क्रॉस ओवर पार करने की सूचना देगा। जी लोडेड लॉन्ग हॉल पाइथन की अधिकतम गति लोअर ऑफ मैक्सिमम स्पीड के अनुसार होगी, बशर्ते उस समय लागू सभी गति प्रतिबंधों का पालन किया जाएगा। तथापि 100 में से एक का डाउन ग्रेडियंट होने पर अधिकतम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी। एच जहां तक संभव हो सेक्शन कंट्रोलर लॉन्ग हॉल गाड़ियों को थ्रू लाइन क्लियर दे ताकि पिछली गाड़ियों की रुकावट को टाला जा सके। आई जहां पॉइंट जोन है वहां ब्लॉक उपकरण को ट्रैक सर्किट से कनेक्शन किया गया है। जहां पर यह प्रणाली है वहां उल्लंघन चिन्ह साफ नहीं है। वहां पीछे की टक्कर या ब्लॉक सेक्शन की ओर से होने वाली टक्करों से बचा जा सकेगा, लेकिन यदि जहां पॉइंट जोन ट्रैक सर्किट नहीं हो अथवा ब्लॉक उपकरण ट्रैक सर्किट खराब हो गया है वहां किसी भी गाड़ी को लाइन क्लियर तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि लॉन्ग हॉल होम सिग्नल के सिग्नल ओवरलैप के आगे नहीं चली जाती। जे चिन्हित किए गए खंडों पर लॉन्ग हॉल के लिए विशेष के टीजी बोर्ड लगाए जाएंगे। के रैक बनाते समय यह ध्यान रखा जाए कि लोडेड रैक को पहले तथा खाली रैक को बाद में लगाया जाए। एल लॉन्ग हॉल गाड़ी चलाने के लिए संचालन के लिए बने सामान्य एवं सहायक नियम लागू होंगे। छठवां अन्य ए लॉन्ग हॉल गाड़ियों से संबंधित किसी खराबी के कारण रुकावट होती है तो उसे अन्य लेखा पर बुक किया जाए। बी विशिष्ट सेक्शन में प्रथम 10 लॉन्ग हॉल गाड़ियां चलाते समय इंजन में तथा पिछले ब्रेक यार्ड में क्रमशः लोको निरीक्षक एवं यातायात निरीक्षक को नामित करें। लॉन्ग हॉल गाड़ियों के संचालन की समीक्षा संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर की जाए। मंडल द्वारा प्रस्तुत मदों के आधार पर इसकी समीक्षा की जाए। सी बरसात के समय सभी लोगों के सेंडर्स कार्यरत होने चाहिए और लोगों के मानसून शेड्यूल का अनुपालन किया जाना चाहिए। डी वर्किंग टाइम टेबल में इन अनुदेशों को प्रकाशित किया जाएगा। ई लॉन्ग हॉल गाड़ियों का संचालन ZRTI के अभ्यास क्रम में सम्मिलित किया जाएगा। एफ लॉन्ग हॉल गाड़ी के कर्मचारी दल और PCOR, TLC, CCOR को इन अनुदेशों का पॉकेट बुकलेट दिया जाएगा। जी यदि आवश्यक हो तो मंडल द्वारा स्थानीय निर्देश जारी किए जाएं, जिसमें स्थानीय भौगोलिक स्थिति परिचालन संबंधी निर्देश हो। एच मंडल के वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी एवं संरक्षा सलाहकार इन गाड़ियों की जांच करें और संरक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं होता है यह सुनिश्चित करें। हैबी हॉल CC धन 8-2 CC धन 6-2 गाड़ियों का संचालन। पहला हैबी हॉल गाड़ी का संचालन समय पर PCOM, PCCM, PCE, PCEE एवं PCME द्वारा जारी संयुक्त प्रक्रिया आदेश के तहत किया जाता है। दूसरा प्रस्थान स्टे पर चालक और गार्ड हैवी हॉल गाड़ी के संचालन से संबंधित मेमो दिया जाएगा, जिसे BPC और VG के साथ संलग्न किया जाएगा। तीसरा मार्ग के स्टाफ चेंजिंग पॉइंट पर भी आउटगोइंग लोको पायलट तथा गार्ड को सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा ताकि हैवी हॉल गाड़ी को ध्यान में रखकर गति प्रतिबंधों का पालन किया जा सके।
दूसरा, हैवी हॉल गाड़ियों की अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सीसी धन 6-2 वैगनों के मामले में यह अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सेक्शन में लागू अस्थायी गति प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए। पांचवा, सभी सतर्कता नोटिस स्टेशन से इस संबंध में सतर्कता आदेश जारी किए जाएंगे। छठवां, हैवी हॉल गाड़ी के संचालन की प्रविष्टि FOIS में हरे रंग से की जाएगी। सातवां, स्टॉलिंग से बचने के लिए उच्चतर ट्रेलिंग लोड के अनुसार इंजन उपलब्ध कराई जाएगी। आठवां, मानसून अर्थात 1 जून से 31 अगस्त के दौरान हैवी हॉल सीसी धन 8-2 का संचालन नहीं किया जाएगा। नोबा मंडल में बैगन के वे ब्रिज ओवरलोडिंग का कार्य दैनिक स्थिति के रूप में दर्शाया जाए। यदि वे ब्रिज कार्य करना बंद कर देता है तो मंडल रेल प्रबंधक द्वारा 7 दिन, PCPM द्वारा 30 दिन, महाप्रबंधक द्वारा 6 महीने के व्यक्तिगत अनुमोदन से लदान की अनुमति दी जाए। यदि 6 महीने से अधिक की अवधि तक बंद रहता है तो इस स्थिति में सीसी धन 8-2 सीसी धन 6-2 के लदान की अनुमति नहीं दी जाए। दसवां, मंडल द्वारा सुनिश्चित करना चाहिए कि बैगन में लदान अनुमेय वहन क्षमता धन लदान वहनशीलता की सीमा के अंदर हो। ग्यारहवां, दुर्लभ मामले में यदि इस सीमा से अधिक लदान का मामला पाया जाता है तो निम्न चार्ट के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाए। बारहवां, ऐसी गाड़ियों के संचालन के दौरान सुनिश्चित करना चाहिए कि स्पीडोमीटर और स्पीड रिकॉर्डर कार्यरत होना चाहिए। तेरहवां, अधिक लदान के रैकों पर की गई कार्रवाई एवं पखवाड़ा समीक्षा मंडल रेल प्रबंधक के स्तर पर की जाए और इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाए, जहां इस तरह की समीक्षा प्रमुख विभागाध्यक्ष के स्तर पर की जाएगी। चौदहवां, लोडिंग पार्टी के साथ साथ रेलवे के सभी बे ब्रिज सही तरह से कार्य कर रहे हैं या नहीं तथा भारतोलन के लिए उचित प्रक्रिया अपनाई जा रही है, यह सुनिश्चित करने के लिए सीनियर DOM, DOM कोल, सीनियर DENCO, सीनियर DME, DME, सीनियर DFM, DFM अधिकारियों का दल 3 माह में 1 बार संयुक्त निरीक्षण करें। पंद्रहवां, अधिक लदान से संबंधित आपवादिक रिपोर्ट मंडल सेंट्रल कंट्रोल के पास भी उपलब्ध होनी चाहिए ताकि संबंधित विभाग डाटा का उपयोग कर सके यदि आवश्यक हो। सोलहवां, गति प्रतिबंध लागू होने पर अधिसूचित स्टेशन का स्टेशन मास्टर नियंत्रण कार्यालय को संदेश देगा तथा मंडल नियंत्रक के साथ संपर्क करके निर्धारित प्रतिबंधित गति के संबंध में चलती गाड़ी के गार्ड एवं चालक को भी मेमो देगा। मंडल नियंत्रक कक्ष इस सूचना को सटे हुए संबंधित मंडल नियंत्रण को भी यदि आवश्यक हो तो सूचित करेगा। नोट, मंडल एवं जोन द्वारा समय समय दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।